गाइस कैसे हैं आप लोगों में करती हैं आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह के बंदे हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब देख लूँगी आज मैं किचन में खड़ी हूँ, मैंने बोला मैं अपने दोस्त से शेयर करूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं हर डिश बना रही हूँ, वह आप लोग देख रहे होंगे। देखें उससे तो खैर अंदाज़ा हो ही जाएगा, आज मैं बना रही हूँ दम बिरयानी जो बहुत मज़ेदार बनती है। मैं अपने दोस्त से शेयर करती हूँ, बनाइएगा आप लोग भी, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। चले मैं अभी स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए हम भी आपको बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको भी बताया, हम बना रहे हैं आज दम बिरयानी। तो हमने मंगाए हैं उसके लिए ये चिकन के बाजू जो कहते हैं, ये लिए हैं हमने अभी। तो गाइस ये देखें, हमने इसके अंदर लिए हैं 1 किलो चिकन के करीब है। अच्छा, ये चिकन के जो बाजू बोलते हैं ना, इसकी बिरयानी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो आज हम इसकी बनाएंगे, इसके लिए हमने सामान ये लिया है और हमने इसके लिए प्याज काट के ब्राउन करनी है और ये दही ली है और ये बिरयानी का साशे लिया, तेज़ पत्ता लिया, इसमें बादियन के फूल गर्म मसाला है और हमारे ये 1 किलो के करीब चावल है, वो हमने भिगो के काफ़ी देर के रखे हुए हैं। अभी हम इसमें सामान सारा ऐड करते हैं, फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैं साथ साथ। गाइस ये देखें, मैंने इसके अंदर सारा सामान ऐड कर दिया है, कुटी मिर्चें, हल्दी, मसाला, बिरयानी का जो साशे था, तेज़पत्ता, बादियन के फूल, दही, लहसुन अदरक सब ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा तेल डाला है इतना सा। अभी इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे, थोड़ा मसाला भुन जाएगा वो, फिर उसके बाद मुर्गी भी थोड़ी गल जाएगी, उसके बाद फिर हम ये वाली प्याज ब्राउन करेंगे, जब वो ब्राउन करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर ये देखें, हमने ये तैयार कर लिया है जो मैंने आपको बताया थे, देखें माशाल्लाह ये गल चुके हैं, इसका मसाला भी भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब ये मिक्स सामान है जो हम दम बिरयानी में डालेंगे। अभी हम कर रहे हैं प्याज ब्राउन, उसको ब्राउन करते हैं फिर हम आपको मज़ीद दिखाएंगे। व्यूअर्स देखें, हमने प्याज भी ब्राउन कर ली है, हमने पानी बॉयल करने रख दिया है, अभी इसको ढक देंगे, इसमें उबालने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे इसमें उबाल आएगा अभी हम चावल ऐड करेंगे, इसके अंदर में तेल लगाने लगे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ सामान ऐड करके। चले हम पहले अब हम ये लगा रहे हैं हम दम बिरयानी, तो इसमें हम एक ही लेयर में सब कुछ करेंगे, दिखाते हैं आपको। इसमें थोड़ा मसाला रखना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मसाला है ना, देखें इसको हम आपको दिखाते हैं और ये देखें, तो उधर रखा हमने इसके अंदर पहले ये मसाला ऐड करना है, इसे डाल देते हैं, पहले ये ऐड करा हमने, तुम यही रखना, पुदीना वगैरह ऐड किया। अच्छा गाइस, इसमें हम एक चीज़ का आपको बताते हैं, तुम इधर आ जाओ, इसमें हम प्याज थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत ऐड इसमें करेंगे। अच्छा चले, अभी हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपने चावल, जो हमने सारे चावल हमने इसके अंदर एक अभी बॉइल किए थे, बहुत गर्म हो रहे हैं। हमने सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दिए अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दम बिरयानी है, इसमें ज़्यादा तेल मैंने नहीं लगाई है, जो हम दूसरी बनाते हैं वो उसमें कुछ ज़्यादा तेल लगाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। हमने इसके अंदर ऐड किया, अब हम इसके आपको पहले इधर हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर, कुछ भी आइटम में बनी बैठी है, इसके अंदर हम पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा बहुत, देखें बस इतना हमने ये ऐड किया है इसमें। बस व्यूअर्स देखें, इसके अंदर केवड़ा हम एक बूंदी डालेंगे केवड़ा। अच्छा, अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी ब्राउन करी हुई प्याज, ये ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल, ऑयल तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जर्दे वाला चावल एक प्याला है तो एक प्याला डलता है 1 किलो में, ये बहुत रहेगा इसमें, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे अभी एक, क्योंकि मैंने इसी ही ऑयल में इधर रखना, इसी ऑयल में प्याज भी ब्राउन की थी, थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है जैसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जर्दे रंग, अब हम इसमें ऐड जो करेंगे ना जर्दे रंग, ना किसी चावल में मिलाना ना किसी चीज़ में, हमने ऐसे ही थोड़ा सा डालना है क्योंकि इसकी शेप फिर बहुत अच्छी आएगी, बस इतना ऐड करना है। अभी हम इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा इधर हो,
चले गाइस हम इसको अब दम पे रखते हैं। जैसा कि आपको पता है दम पे किस तरह रखूंगी मैं इसको, पहले हमने इस पे तवा ऐड किया है, तो गाइस अभी हम इसको दम पे रख रहे हैं। दम पे तकरीबन 30 मिनट तो हम इसको दम पे रखेंगे। तो ये दम पे हम रख रहे हैं। अच्छा मैंने आपको दम पे रखा है, इसको ऐसे रखने के बाद हम इस पे ये रख देंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है इससे ज़्यादा। तो जैसे ही तैयार होगी फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। अभी ये दम पर है, चलें फिर। गाइस देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। देखें दम बिरयानी बनके, इस तरीके से आप बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक आया है ये। तो देखें बनके रेडी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको मज़ीद नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखें आप लोग बनाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी।